फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपास किचन एंड कॉस्मेटिक्स में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे करेले कुकर में। करेले हमको 500 ग्राम चाहिए और इन करेलों को इस तरह से काट लें और इनमें एक चम्मच नमक, डेढ़ चम्मच नमक मिलाकर 15 मिनट तक इनको रख दें। 15 मिनट होने के बाद फिर हम इसको दो तीन पानी से अच्छे से धुल लेंगे। ये हमारे धुले हुए करेले हैं। प्याज हमको चाहिए 400 ग्राम। अगर हमारे 500 ग्राम करेले हैं तो प्याज 400 ग्राम चाहिए। इनको बारीक काट लें और ये सारे मसाले, हींग, एक चम्मच खटाई, एक चम्मच हमको पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए, एक चम्मच हल्दी पाउडर, तीन चम्मच करेले मसाले, एक कुकर में 150 ग्राम तेल लें, सरसों का उसमें करेले डालें। करेले हमको पहले इसलिए डालने हैं क्योंकि करेले में नमी ज़्यादा होती, इनको पकाने में समय लगता है और प्याज हमको बाद में डालना है। अब हम प्याज लेंगे, इनमें प्याज डालेंगे करेले में। प्याज हमको 2 मिनट तक पकाना है और इनको चलाते हुए पकाएं प्याज को, करेले को मिक्स कर लें अच्छे से। धीमी धीमी आंच पर पकाना है। करेले हमको बहुत ही फायदेमंद होते हैं और इनको खाने से हमारे कई रोग नष्ट होते हैं। ये हमारा करेला मसाला है 3 चम्मच। 2 मिनट तक हमको पकाना है, फिर इसमें सारे मसाले डाल दें। करेला मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और हींग। हींग हमको सारे मसालों के बाद डालना है और ये हमको मसाले भूने धीमी आंच पर, नमक स्वाद अनुसार। नमक हमने पहले ही देखिए करेले में डाला था। नमक हमको हमेशा लाइट रखना है क्योंकि करेले में भुनने के बाद नमक अक्सर ज़्यादा होता है। नमक हमेशा हल्का ही डालें और मसालों को 2 मिनट तक धीमी आंच पर भूने। पानी हमको बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि हमारा प्याज में और करेले में पानी आएगा। अब इस क्योंकि सीटी लगा देंगे, एक सीटी लगाएं कुकर की और फिर इस कुकर की सीटी हमारी हो गई है। देखिए हमारे प्याज और करेले मिक्स हो चुके हैं लेकिन अभी हमारे भुने नहीं हैं, इससे पानी निकल रहा है। हम इसको कम से कम 2 मिनट या 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे जब तक पानी भुन ना जाए। ये हमारा देखिए पानी भुन चुका है, तेल ऊपर आ गया। फिर हम इसमें खटाई मिलाकर इसको अच्छे से मिलाएं। खटाई हमको बाद में मिलानी है क्योंकि इससे हमारी सब्जी का स्वाद बरकरार रहता है और खटाई हमेशा आखिरी में इसलिए मिलाते हैं। और ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब इसको सर्व करें प्लेट में निकाल कर, रोटी पराठे नान के साथ। मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक टू वॉच।